जनता तो यही चाहेंगे कि छठ पूजा जो कि बहुत ही महान पर्व है और बहुत ही लोगों के अंदर रुचि रहता है इस पूजा को लेके, और जितनी भी माताएं बहनें हैं दो तीन दिन भूखे प्यासे अपने बच्चे के लिए अपने परिवार के लिए जो व्रत करती हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, और आप लोग का जो सेवा है हमारा जो सेवा है इससे हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पूरा जो यहाँ का विस्तार है और जितने भी लोग हैं सब सुखी रहें, अपने परिवार को भी संभालें और यहाँ का वातावरण भी सही रखें। किसी को देख रेख करने के लिए और हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है, और आप हर साल देख सकते हैं कि कितने ही धूमधाम से उत्साह के साथ लाइट बत्ती का और सफाई का पूरा ख्याल करते हैं, और पूरा यहाँ से वहाँ तक कम से कम 100 वॉलंटियर सेवा में लगे रहते हैं कि किसी को कोई प्रकार का हानि ना हो। और हम लोग बहुत ख्याल भी रखते हैं कि कोई बच्चा पानी में ना जाए, बम फटाका से भी दूर रखते हैं कि कोई पीड़ित ना हो, यही हमारी टीम का सोच है और इसी तरह से हमारी टीम सेवा करते रहेगी। जोर शोर से लगी रहती है, सभी लोगों का इंतजाम किया जाता है, जैसे चाय भी बना रहे हैं और कच्चा दूध है माता जी को चढ़ाने के लिए, अर्घ देने के लिए कच्चा दूध का भी इंतजाम करते हैं। हमारे सब लोग यहाँ से वहाँ तक सभी लोग लगे चप्पे चप्पे पे निगाह रख रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी टीम ये चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा हो तो सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाए। बाकी हर जगह पे हर जगह सिस्टम में अग्रसर रहते हैं सब, पूरी टीम हमारी अग्रसर रहती है, और हर साल साल दर साल भीड़ बढ़ती जा रही है, जगह भी पूरी हो गई है और आगे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में ये रहेगा कि अब आगे से फिर पक्का घाट का निर्माण किया जाए, सभी लोगों को हर चीज़ का सुख सुविधा मिले। और सब व्यवस्था हमारी टीम की तरफ से पानी है, दूध है, चाय है, और कपड़ा चेंज करने के लिए ये सब पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। हर चीज़ का जिम्मेदारी अपनी टीम ले कर चलती, बाकी तो सब छठ मैया की देन है, सब करती हैं, बहुत अच्छा है।